आगासुद रोड से दिन दहाड़े चाकू की नोक पर दो भाइयों का अपहरण। पुलिस ने चंद घंटों में बालापेहट उत्तर प्रदेश से बंधकों को कराया मुक्त। पुलिस पर आरोपियों ने किया था पथराव। बिना पुलिस की सतर्कता और सूझबूझ से दिन दहाड़े चाकू की नोक पर दो भाइयों के अपहरण के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने उत्तर प्रदेश से चंद घंटों के अंदर बंधकों को मुक्त कराया और 5 आरोपियों को धरदमोचा, जिनमें महिलाएं भी शामिल हैं। मिली जानकारी अनुसार फरियादी उमेश धानक पिता कल्याण धानक निवासी ग्राम गिरोल ने शिकायत की थी कि अज्ञात आरोपियों ने उसके पिता एवं बड़े पापा का अपहरण कर लिया है। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के निर्देशन एवं एसडीओपी प्रशांत सुमन के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी विजय राजपूत ने टीम का गठन किया और तत्काल ललितपुर बालापेहट टीम रवाना की, जहां पर बीना पुलिस ने ललितपुर पुलिस की मदद से बंधकों को छुड़वाने का प्रयास किया, लेकिन आरोपियों ने पुलिस पर पथराव कर दिया। उसके बावजूद भी पुलिस ने चंद घंटों के अंदर बंधकों को मुक्त कराया और मौके से आरोपी उत्तम धानक, खुशहाल धानक, बादशाह धानक, हीराबाई धानक एवं लच्छी धानक को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 2 मोटरसाइकिल, 2 मोबाइल, 1 चाकू एवं 15,000 रुपए नकद जब्त किए हैं। कार्रवाई के दौरान सब इंस्पेक्टर कविता द्विवेदी, आरक्षक मुकुल, आरक्षक यशवंत, आरक्षक सतीश, आरक्षक जहर, आरक्षक चालक दीप सिंह भदौरिया एवं महिला आरक्षक शारदा दुर्वे की अहम भूमिका रही। हमारा भैया का लड़का इनकी ललितपुर वालों की लड़की को लेके भाग गया था, तो सर हम उनको लड़का और बच्ची के लिए मना के और उनको कंजिया चौकी में ले जा रहे थे। तो मैंने लड़का से बोला कि बेटा तुम एक काम करो, कछू से भी करके तुम कंजिया चौकी पहुंचो। हम दो ही भाई मोटरसाइकिल से निकल रहे हैं, तो हम दो ही भाई मोटरसाइकिल से निकले जैसे ही के सर, तो इनने हमारी ये कलहारी पे पकड़ लिया। का पते कहाँ से ये लोग आए और इनने हमारे को मारना चालू कर दिया। मार के हमारी गाड़ी की चाबी छुड़ाई और हमको हमारा मोबाइल छुड़ाया, बैठ बे साले, और साहब जी हम ले गए उधर। जान के ने हम को हाथ बांध ले दोनों भाइयों के, साकर से बांध गए। फिर साहब इनने मारबो चालू करो पूरे घर ने, कहेंगे इनके कुल मिला के 7 भाइयों के, 7 भाई हैं उनके साथ, 2-2 लड़का, तो समझे साहब 2-2 ही जाटा मारे, तो मतलब बहुत मारो मान लो कुल मिला के। बिना प्रभारी जी ने हमारी साहब जान बचा ली, तो हम मर जाते बगैर मौत के। फरियादी उमेश धानक कंजिया रहने वाला ही, ये अपने परिजनों के साथ में थाने आया और इसने बताया कि 18/5/24 को एक दिन पूर्व शाम को ये थाना भानगढ़ से बीना में कुछ खरीद वरीद करने के लिए आए थे, और इसके जो पिताजी हैं धन्नूलाल और चाचा कल्याण, ये दोनों शाम को 5 से 6 के बीच में यहाँ बीना थे और उसके बाद ये नहीं मिले। तो इनको ये लगा कि हो सकता है कि आ जाएंगे सुबह, लेकिन सुबह इनके पास में फ़ोन आया और इनके पिताजी ने बोला कि हमें बचा लो नहीं तो ये हमें मार डालेंगे। तो वो थाने में आए, उन्होंने रिकॉर्डिंग सुनाई और घटना की तस्दीक करने के बाद मामला अपहरण का पाए जाने पर फरियादी की रिपोर्ट पर से अपराध क्रमांक 337/24 धारा 363 अपराध का भादवी का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में तत्काल टीम गठित करके सीडीआर लोकेशन के आधार पर बालाबेहट थाना जिला ललितपुर में टीम रवाना होकर जब मौके पर पहुंची तो दोनों कल्याण धानक और धन्नूलाल धानक, ये दोनों आरोपी उत्तम धानक, खुशहाल धानक के घर में बंधक थे, रस्सियों से बंधे हुए थे। तो पुलिस टीम के द्वारा जाकर मौके पर उनको छुड़ाया गया और विधिवत कार्रवाई की गई। सभी आरोपियों को पकड़कर गिरफ्तारी हो गई है और इसमें से एक आरोपी को पेश करा दिया है। थाना बालाबेहट की पुलिस भी इस कार्रवाई में शामिल थी, उनको लेकर हम लोग अपनी टीम लेकर मौके पर पहुंचे थे। जो आरोपी के द्वारा पकड़ाव किया गया था, बाद में पुलिस की दक्षता और हमारी जो टीम थी कुछ समझ कर, मतलब जो पुलिस की जो कुशलता थी उसके आधार पर आरोपियों को और जो अवगत व्यक्ति थे उनको हम सकुशल लेके आने में सफलता मिली है।